आज गायत्री विद्यापीठ पीजी कॉलेज ऋषि भूमि रिसिया में प्राचार्य डॉक्टर दिव्य दर्शन तिवारी के नेतृत्व में हर साल की तरह इस साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पहले तो आप सभी लोग को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज अपने महाविद्यालय में बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं, शिक्षकों में भी हैं, कर्मचारियों में भी हैं, जिनसे योग का पूरा परिचय नहीं रहा होगा। इसके लिए मैंने योगाचार्य जी को आमंत्रित किया था और उनके कुशल निर्देशन में आज जो आसान योग है, जिनको दैनिक चर्या में, दैनिक जीवन में हम ला सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, ऐसे योग से हमारे विद्यार्थियों को, शिक्षकों को आज योगाचार्य जी ने परिचय कराया। तो सर, योगा करने से क्या फायदे होते हैं? योग से देखिए, आज के समय में तनाव, जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा है समाज में, किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा तो है, इसमें जो तनाव बढ़ता है, जो इससे संबंधित बीमारियां हैं, ये योग बहुत कम कर देता है, लगभग नगण्य कर देता है, नहीं के बराबर कर देता है। तो इस योग के माध्यम से हमने विद्यार्थियों को बताया और ये भविष्य में अपने शिक्षा क्षेत्र में, आगे के दैनिक मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए इनको मैंने इसका परिचय करवाया। इस मौके पर योग प्रमुख दीप नारायण योग के महत्व और इसके फायदों के बारे में कॉलेज के प्रवक्ता एवं छात्र छात्राओं को योग के लिए जागरूक किया गया और लोगों को इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। मेरा नाम योगाचार्य दीपनंद पाल है। मैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय से अपनी योग की पढ़ाई करके बहराइच में रह रहा हूँ, बहराइच से सबको योग करा रहा हूँ। तो सर, आज पूरे विश्व में योगा दिवस मनाया जाता है, हर क्षेत्र में, हर विद्यालय में, हर जगह, पूरे जनपद बहराइच में, पूरे उत्तर प्रदेश में योगा दिवस मनाया जाता है। सर, आज यहाँ विद्यालय में भी योगा दिवस मनाया गया है, छात्र छात्राओं को बुलाया गया है, सभी प्रोफेसर सब उपस्थित थे। तो इसके सर, योगा करने से क्या फायदा होते हैं, जो ये बीमारियां कुछ होती हैं योगा करने से, पता चलता है कि कुछ बीमारियां भी दूर होती हैं, तो सर इसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी। एक बात बता दें कि योग केवल उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया गया और पूरे विश्व में आज मनाया गया, लगभग भारत के नहीं, विश्व के अधिकांश देश योग को मनाए, योग को मान रहे हैं और अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। योग एक ऐसा भारतीय ऋषियों की देन है हम लोगों को, जिसके माध्यम से हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। आज के समय देखे हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, कोई सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है, कोई हट्टा कट्टा मोटा है, कोई चेचड़ा है, कोई अन्य प्रकार की दिक्कतें आती हैं, जिससे व्यक्ति का खुद का जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन सब अस्त व्यस्त है। तो उस शारीरिक जीवन, अस्त व्यस्त जीवन को सुधारने के लिए और स्वस्थ को मजबूत करने के लिए ये योग ही एक ऐसा माध्यम जिसके कर कर आप एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करके अच्छा इंसान बना सकते हैं और खुद बन सकते हैं और एक अच्छे अपने देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए अच्छे व्यक्ति बनकर तैयार हो सकते हैं। तो ऐसा कोई योगा का नाम बताइए जिससे कि क्या कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज होता है, तो इसका क्या होता है? ब्रेन हेमरेज में अधिकतर क्या होता है कि कई बार बीपी हाई हो जाती है, इसके कारण ऐसा होता है। और ये भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको आप करेंगे, उसको करने से आपके मेमोरी पावर मजबूत होती है, आपकी याददाश्त अच्छी होती है, चेचड़ा पर खत्म हो जाता है, निंद्रा खत्म हो जाती है, कहने का मतलब मानसिक रोग ठीक हो जाते हैं। और जब आप योग ध्यान प्राणायाम करेंगे तो ब्रेन हेमरेज जैसी स्थितियां नहीं आएंगे, वहां पर कुछ ऐसा ब्लड का ब्लड वहां पर कलेक्ट ही नहीं होगा और ऐसी बीपी हाई ही नहीं होगी, हम स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। योग के माध्यम से आप सभी बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सर, ऐसा कुछ योगा 101% सही है। जब आप योग करेंगे तो आपके अंदर की चर्बी खत्म हो जाएगी, आपके अंदर जो तत्व है शरीर के अंदर वो एक निश्चित मात्रा में रहेंगे और आपके शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं वो एक्टिव रहेंगे और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। आप देख लीजिए, एक योग करने वाला व्यक्ति हो, एक योग करने वाला न हो, दोनों से कोई एक कार्य करने के लिए कह दीजिए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आएगा। हम लोगों ने इसके लिए रिसर्च किया है, बहुत डिजिटेशन बनाए, कई विश्वविद्यालय में गए, कई जगह भारत के कई हिस्सों में गए, भारत के बाहर भी गए, तो इसका बहुत ज्यादा फायदा है। प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक टीचर, प्रत्येक और प्रोफेसर में कार्य करने वाले व्यक्ति, नौकरी पेशा में, सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति से मेरा निवेदन है
कि आप जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में अच्छा करना अगर चाहते हैं, उसी क्षेत्र के अच्छे एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो योग को करें और योग आपको उत्कृष्टता को प्राप्त करने में सहायक होगा। योग न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। योग हमारे लिए कितना फायदेमंद है। गायत्री विद्यापीठ PG कॉलेज में छात्र छात्राओं को योग कराया गया। इस अवसर पर गुलफ्सा सिद्दीकी, काजल गुप्ता, आरती पाल, सुगंधी गुप्ता, स्वाति यादव, शिवांग कश्यप, अभिषेक कुमार गौतम, नितेश कुमार छात्र छात्राओं को योग करने में बहुत मज़ा आया। सभी के चेहरे खिले। इस साल की थीम देश की महिलाओं को समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 की महिलाओं को खुशहाल जीवन के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव, प्रोफेसर डॉक्टर सुबी सईद, प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र, प्रोफेसर डॉक्टर DR यादव, प्रोफेसर डॉक्टर राम जन्म, प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष तिवारी, प्रोफेसर गायत्री विद्यापीठ इंटर कॉलेज की प्रधान अध्यापिका रीति श्रीवास्तव, डॉक्टर मुरारी लाल श्रीवास्तव, EDP प्रमुख धर्मेंद्र श्रीवास्तव, नंदन श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव, पुस्तकालय प्रभारी रिखेश्वर प्रसाद, कार्यालय प्रभारी आशीष कुमार परसुराम, वीरेंद्र कृपाराम, बरसाती लाल, अंबरलाल यादव समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।